नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्सा स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास अपडेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का वनडे सीरीज खत्म हो गया और यहां पे भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब यहां से सिर्फ 9 दिन बचे हैं जब आईपीएल का कारवा शुरू हो जाएगा। आईपीएल का ये 12वां सीजन होगा और यहाँ पर सभी टीमें आईपीएल की तैयारी में जुट चुकी हैं। जो क्रिकेटर्स हैं यहाँ पर लगातार अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर वीडियो शेयर साझा कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वो किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन आईपीएल से भी बड़ा, जो इस साल का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है क्रिकेट का, वो है वर्ल्ड कप का। वर्ल्ड कप 30 मई से शुरू होगा और भारतीय टीम के पास जो मौके थे अपनी टीम को सेट करने का, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 वनडे सीरीज का था। वहाँ पर भारतीय टीम सफल नहीं हो पाई है अपने प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन को फाइनल करने का, टीम स्क्वाड को फाइनल करने का। हालांकि भारतीय टीम ये सीरीज हार गई। उसके बाद सवाल ये भी उठा कि क्या आईपीएल जब ऐसे समय पर हो रहा है, इससे खिलाड़ियों पे दबाव नहीं पड़ेगा? क्या खिलाड़ी उतने तरोताज़ा होंगे और वो वर्ल्ड कप खेलेंगे, वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? ये सवाल हमेशा से ही चर्चा में रहा है, पिछले काफ़ी समय से चर्चा में रहा है। और इस पर कल मैच हारने के बाद विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बातें की और उन्होंने कहा कि कौन से खिलाड़ी कितना आईपीएल मैच खेलेंगे। इसके सवाल जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने यहाँ पे जवाब दिया कि किसी पर भी दबाव नहीं बनाया जाएगा, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने विवेक का इस्तेमाल करके वो ये तय कर सकते हैं कि किसको कितना मैच खेलने की यहाँ पे ज़रूरत है। वो अपने फ्रेंचाइजी से बात करेंगे, उनकी फ्रेंचाइजी जिस हिसाब से कहेगी वो इस हिसाब से बात करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे फिजियो हैं वो लगातार उनके टच में रहेंगे। हम किसी भी खिलाड़ी को यहाँ पे जो वर्ल्ड कप जाना है, जो हमारी सोच में है, उन खिलाड़ियों को पता है कि कौन से वो खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप जाने वाले हैं। और 25 अप्रैल को अनाउंसमेंट भी कर देगी बीसीसीआई कि कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं, 15 या 16, जो वर्ल्ड कप की टीम में स्क्वाड में शामिल है। तो उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने कहा कि निगरानी रखी जाएगी एक एक खिलाड़ी पर कि वो उनके ऊपर कितना कार्यभार का बोझ है, कितने प्रेशर में है वो, किस तरीके से वो खेल रहे हैं, उनकी हेल्थ क्या है, उनकी फ़िटनेस क्या है। और जो बीसीसीआई की फिजियोथेरेपी की जो मैनेजमेंट है, जो वहाँ पे लोग हैं, वो लगातार खिलाड़ियों के टच में रहेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो जितनी भी हमने सीरीज खेली है, ये लगातार हमारा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहा है, चाहे वो भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा हो, उसके बाद न्यूजीलैंड का और उसके ठीक बाद ऑस्ट्रेलिया का भारत आना हो, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हुआ है। तो उसके बाद खिलाड़ियों को थोड़ा यहाँ पे रेस्ट देने की बात उन्होंने की है और कहा कि आईपीएल एक वैसा क्रिकेट इवेंट नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खिलाड़ी टेंशन लेके खेलते हैं, तो यहाँ पे वो थोड़ी मस्ती करते हैं और इस मस्ती के वो हकदार हैं। और 2 महीने की समय उनको ज़रूर दिया जाना चाहिए, यहाँ पर टीम को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि विराट कोहली ने कुछ दिन पहले ये बात ज़रूर कही थी कि खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप पे टीम में जाना के लिए वो चयन किए जाएंगे, वो अपनी परफॉर्मेंस का खास ध्यान रखे, वो कोई गलत शॉट यहाँ पे ना सीखे, गलत आदतें ना सीखे। और इससे तो साफ जाहिर होता है कि विराट कोहली थोड़े स्ट्रिक्ट भी हैं और उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी हैं वो अपने विवेक के हिसाब से सोचे कि वो कितना मैच खेलने में प्रेफर हैं, जिनसे उनकी फ़िटनेस को यहाँ पे ज़्यादा नुकसान ना हो, टीम को ज़्यादा नुकसान ना हो, टीम सफ़र ना करे वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में। तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बीसीसीआई ने अभी तक तो कोई दबाव नहीं बनाया है, लेकिन बातें होती रहती हैं। जो हमारे मुख्य चयनकर्ता है एमएसके प्रसाद, उन्होंने भी जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम के ऐलान किया था, वहाँ भी जब उनसे यही सवाल पूछा गया था कि आईपीएल के दौरान क्या खिलाड़ियों को रेस्ट देने की बात की जाएगी, तो उन्होंने कहा कि हमारी फ्रेंचाइजीज से बात हो रही है, जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं, और हम लगातार उनके टच में हैं। और ऐसा हम नहीं कह सकते कि आप जो खिलाड़ी वर्ल्ड कप टीम के हिस्सा हैं उनसे मैच ना खेलने के लिए कहें या फिर वो अच्छे से फोकस ना करें, क्योंकि मैच मैच होता है, चाहे वो आईपीएल का हो या वर्ल्ड कप का हो। खिलाड़ी यहाँ पे प्रतिबद्ध है अपने खेल को लेके और वो पूरे यहाँ पे दिलो दिमाग से मैच खेलता है। तो उन्होंने कही कि हम लगातार फ्रेंचाइजीज के टच में हैं, बात कर रहे हैं और जो भी टीम के लिए अच्छा होगा वो कदम हम उठाएंगे। और विराट कोहली का ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा खास हो जाता है कि खिलाड़ी अपने हिसाब से डिसाइड करे कि वो कितना मैच खेल सकते हैं, उन पर कितना दबाव है, इसका आकलन वो खुद करे और ये फैसला ले कि उनको कितना मैच खेलना है और कितने मैच के बाद आराम लेना है। क्योंकि जो खिलाड़ी वर्ल्ड कप यहाँ पे खेलेंगे
उनका फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो तरोताज़ा हों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय टीम वर्ल्ड कप की प्रबल दावेदार बताई जा रही है और भारतीय टीम नहीं चाहेगी कि किसी खिलाड़ी की फिटनेस की वजह से उसे वर्ल्ड कप में सफ़र करना पड़े। तो जो भी अपडेट्स होंगे लगातार हम उसके साथ बने रहेंगे। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें।